गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम कंडीशन देखेंगे कि कब कब हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम वैलिड है और कैसे हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ओके, तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे हमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइंड करना है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो जब एक्स ऑफ टी के लिए टी इक्वल टू जीरो प्लस पे हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसको हम एस डोमेन में लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ एस, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में जब एक्स ऑफ टी हमारे पास दिया होगा और बोलेगा कि इनिशियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू टी इक्वल टू जीरो प्लस का मतलब इनिशियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम एस डोमेन में क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, एस ऑफ एक्स एस कर देंगे, ठीक है, एस टाइम एक्स ऑफ एस कर देंगे। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो हम देखेंगे कि वैलिड कब कब होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अगर हमारा न्यूमरेटर की पावर हमारी अगर लेस देन है डिनोमिनेटर, तभी हमारा ये अप्लीकेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से है, s प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो न्यूमरेटर ये है और s प्लस ये टू हो, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर की पावर कम है, देन ये एप्लीकेबल होगा हमारा। अगर ऐसा हो जाए कि हमारा डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो जाए और न्यूमरेटर की पावर कम हो जाए, तब देन ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा वो हम अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाइज, द इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज अप्लाइज ओनली इफ एक्स एस, ये जो हमारा एक्स ऑफ एस है, ये एक्स ऑफ एस इज स्ट्रिक्टली प्रॉपर, मीन्स क्या होता है, दैट इज पावर ऑफ न्यूमरेटर, एन एस लेस देन होना चाहिए पावर ऑफ डिनोमिनेटर डी एस, ओके। जब ये हमारा पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन होगा पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तभी ये इनिशियल वैल्यू हमारा अप्लाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर इम्प्रॉपर एक्स एस। अगर ये हुआ कि हमारा जो पावर ऑफ न्यूमरेटर है वो इक्वल है पावर ऑफ डिनोमिनेटर या ज़्यादा है न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से, देन हम क्या करेंगे, तो फॉर इम्प्रॉपर एक्सेस, का यही मतलब हुआ कि पावर ऑफ न्यूमरेटर या तो इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, देन क्या करेंगे, फॉर इम्प्रॉपर एक्सेस यूजिंग लॉन्ग डिविज़न मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड एक्स एस इज एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इन एस प्लस अ स्ट्रिक्टली प्रॉपर अ स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन एंड इन दिस केस द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर फ्रैक्शन gives initial value okay. जब यहाँ पे हमारा numerator power less than होगा denominator power, ठीक है, तो directly हम इस तरीके से use कर लेंगे. अगर यहाँ पे क्या हुआ कि numerator की power equal है denominator या फिर numerator की power ज़्यादा है denominator से, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे. लॉन्ग डिवीज़न इसका पूरा कंक्लूजन बता रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा इनिशियल वैल्यू देगा, ठीक है. लॉन्ग डिवीज़न से जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या देगा, इनिशियल वैल्यू देगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं. यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट इनिशियल वैल्यू, ठीक है. यहाँ पे एक जो दिया हुआ फंक्शन x ऑफ s इक्वल टू 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1. सेकेंड दिया हुआ है x ऑफ s इक्वल टू 5s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 3, ठीक है. ये दो क्वेश्चंस हैं. तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि डिनोमिनेटर की पावर और न्यूमिनेटर की पावर दोनों सेम है. यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है न्यूमिनेटर से, तो इसको तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल होगा तो मैंने क्या बताया, लॉन्ग डिविज़न मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट के लिए x ऑफ s इक्वल टू 4s प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2s प्लस 1, ठीक है. तो यहाँ पे है कि इम्प्रॉपर टाइप से है, सिंस गिवन फंक्शन इज इम्प्रॉपर सो यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है. तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब यूज़ करेंगे तो x ऑफ s को कैसे लिखेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करने के बाद 2 plus 3 upon 2s plus 1, ठीक है. लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम यूज़ कर लेंगे इसमें. तो यहाँ पे ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा है रिमाइंडर. जब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है. अब इसी रिमाइंडर के थ्रू ही हम इनिशियल वैल्यू, हमें इसी रिमाइंडर से ही मिलेगी, ठीक है. द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर फंक्शन, रिमाइंडर फंक्शन
फंक्शन दैट इज थ्री बाई टू एस प्लस वन विल गिव इनिशियल वैल्यू ओके तो अब एक्स ऑफ जीरो प्लस निकालेंगे एक्स ऑफ जीरो प्लस के लिए क्या करेंगे लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एक्सेस लिखेंगे तो एक्सेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यही वाले को रिप्रेजेंट करेगा इसका जो रिमाइंडर है क्योंकि इसी रिमाइंडर से ही इनिशियल वैल्यू मिलेगी तो इसको हम लिखेंगे एस टाइम थ्री अपॉन टू एस प्लस वन ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ से हम एस कॉमन ले लेंगे यहाँ से एस कॉमन लेंगे तो एस से ये वाला एस कैंसिल हो जाएगा उसके बाद एस की वैल्यू जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सिर्फ वन बाई एस यहाँ पे आएगा जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये कितना बचेगा थ्री और यहाँ पे कितना बचेगा टू क्योंकि ये वाला एस यहाँ पे आ जाएगा तो ये फाइनली क्या बचेगा हमारे पास थ्री बाई टू इतना तो ये तो एलेवेंथ में हमने किया है सॉल्व लिमिट में जब भी ऐसा होता था इन्फिनिटी वाले केस आता था तो इसको क्या करते थे एक एस को बाहर लेते थे इसको कैंसिल कराते थे ये वाला एस फिर इसके नीचे आता था वन बाई में तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा ज़ीरो होगा तो यहाँ पर टू बचेगा तो थ्री बाई टू फाइनल इसका आंसर होगा ठीक है अब सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं बट सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये लॉन्ग डिविज़न मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड में क्या है डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है न्यूमिनेटर से तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस करना है तो एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस करने के लिए क्या करेंगे लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एक्स ऑफ एस लिखेंगे फाइव एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस टू एस प्लस थ्री ठीक है ये हो गया अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कैंसिल करा देंगे ठीक है अब कैंसिल कराने के बाद में यहाँ पे अब एस की जगह क्या पुट करेंगे एस की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा तो अब इसमें क्या करेंगे एक चीज़ कि यहाँ से एस कॉमन ले लें ठीक है ऊपर से एस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस वन बाई एस ऊपर में इस तरीके से बचेगा एस कॉमन लेंगे तो उसके बाद डिनोमिनेटर में भी यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे ओके तो यहाँ एस स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस टू बाई एस और वन प्लस थ्री बाई एस इस टाइप से बचेगा ठीक है ये एस है ये स्क्वायर है एक एस से एक एस कैंसिल करा देंगे अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी ठीक है तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ज़ीरो ये हो जाएगा ज़ीरो ये हो जाएगा ज़ीरो ठीक है और यहाँ पे वन बाई एस है तो एस की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा ज़ीरो तो यहाँ पे ज़ीरो 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 है तो ये यहाँ बचेगा फाइव और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा ज़ीरो तो फाइव इंटू ज़ीरो कितना होगा ज़ीरो तो इसका फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी ठीक है तो नॉर्मली ये तो लिमिट के क्वेश्चंस हैं जो हम एलेवेंथ में करते थे बस हमें कंडीशन जो ध्यान रखनी है कि जब भी ये वाला न्यूमिरेटर हमारा ठीक है ये डिनोमिनेटर जो है वो हमारा ज़्यादा है न्यूमिरेटर से तब हम नॉर्मली करेंगे अगर हमारा न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है ओके या फिर
हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, देन हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करने के बाद में जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही हमारी इनिशियल वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम याद रखेंगे, तो इनिशियल वैल्यू के लिए इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।